आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं माँ मन्नन मूवी के ट्रेलर के ऊपर। सो गाइज बात कर ले जाए मूवी के बारे में, जो डायरेक्टर है वो है मारी सेल्वराज। मेन लीड रोल में नजर आएंगे उदयनिधि स्टैलिन एंड वली वेलु सर भी नजर आएंगे एंड ए आर रहमान सर का म्यूजिक है। हमने इसके दो तीन सॉन्ग सुने हैं, रस्सा कन्नू, जिगी जुगु रेल एंड कोडी पारा ऐसे करके कुछ नाम था। बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। अब ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर को देखते हैं किस तरह का है। एंड आई थिंक मूवी भी बहुत जल्दी अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक में शायद रिलीज होने वाली है। सो गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोग भी देखिए इस ट्रेलर के रिएक्शन को। So guys, before starting this video, I would like to request you to join our channel to subscribe and click on the notification bell. Also follow us on Instagram and Facebook. So guys, let's get started. Red Giant Movies presents. நான் பாடி கொண்டிருப்பது ஒரே பாடலாக இருக்கலாம். அதை என் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுவேன். जब तक जीने तब तक गाएंगे। என் வயிற்றிலிருந்து குடலை உருவி ஊரிலே யாழாக மாற்றி அதை தெரு தெருவாக மீட்டி வருவேன். உண்மையை கேட்கக்கூடிய காதுகளை நான் தேடிக்கொண்டிருப்பேன். இந்த பதவியும் பவரும் வாங்கிறதுக்கு நாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இஷ்டத்துக்கு பேசுறேன் சார், எல்லாருக்கும் சார் ஏன் சார் பயப்படுறீங்க? சின்ன பசங்க எல்லாம் போட்டு அடிச்சுட்டு வெறிபிடி தலைறானே, அவன மாதிரி எல்லாரும் வெறிபிடி தலைணுமா? இங்க மதம் அடிக்குதா, ஜாதி அடிக்குதா, பணம் அடிக்குதான்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா நம்மளுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும். உங்க அப்பாவை பார்த்தன்னைக்கே நான் சொன்னேன், உங்க பைய வாழ்க்கையில ஒரு யுத்தத்தை நிச்சயம் சந்திப்பான்னு. இன்னைக்கு அதுதான் நடந்திருக்கு. என்ன பண்ணுவீங்க? கொண்டுருவீங்களா? ஊருக்குள்ள வந்தா கொண்டுருவீங்களா? இனிமேலாவது யாருக்கும் எங்கேயும் இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது. मतलब वदी वेलु सर को मैंने हंसते हुए देखा, इसे तो सीरियसनेस देखने को मिला। बहुत ज्यादा सीरियस रोल का परफॉर्म कर रहा है। एंड वो बोले ना मैं गाना गाता था और मैं वो गाना मरते दम तक गाऊंगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो फहाद फाजिल है वो नेगेटिव रोल में नजर आएंगे इस मूवी में। एंड वो बोल रहे थे ना कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और कितना जो यहाँ तक जो पावर मिला है उसके लिए। एंड ये लोग जो वदी वेलु सर स्टैलिन, इनके आई थिंक वो लोग पावर का यूज करके इन लोगों को मार रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो वही चीज आई थिंक दोनों के बीच की फाइट देखने को मिलेगी। एंड हाँ, एंड वो बच्चे की मुझे इस तरह डॉग्स भाग रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो स्टैलिन है बचपन का जो पहले का दिखा रहा है। तो वो अप्पा बुलाते हैं ना आखिरी में। एंड जो लास्ट सीन था जब वो दोनों बैठे वदी वेलु सर, उनके हाथ में तो शायद तलवार थी या कुछ था, एंड वदी वेलु सर के हाथ में भी कुछ है, मतलब वो लोग डोर ठोक रहे हैं इनको मारने के लिए।
एंड फहद फाजिल सर ने भी जिस तरह से वो मारा ना अमेजिंग लग रही है मूवी, अच्छी होगी, बहुत ज्यादा खुल के सामने नहीं आई, सीन्स बहुत ज्यादा है। कीर्ति सुरेश का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया था, वो कुछ बता रही थी कि कब तक सहेंगे, इस तरह से कुछ वो कह रही थी स्टैलिन को, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मूवी अच्छी होगी। एंड बदी वेलु सर का मतलब जो कैरेक्टर है वो इसमें अमेजिंग होगा, क्योंकि जो इंसान कॉमेडी करता है उससे सीरियस रोल हो जाएगा। हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया होगा मूवी में, अमेजिंग लग रहा है। बहुत आखिरी में गुस्से में बैठे हुए मजेदार। अब देखते हैं गाइस 29 तारीख को मूवी रिलीज हो जाएगी, आप जब भी OTT पे अवेलेबल होगी डेफिनेटली विल ट्राई टू रिएक्ट ऑन द मूवी। करेक्ट, अमेजिंग म्यूजिक यार रहमान सर का है, हमेशा की तरह अमेजिंग, मजा आ गया। So guys, that's it for now. If you really enjoyed our reaction, just give a thumbs up, do comment, subscribe, and also click on the notification. So guys, the best non-existent video till then. Bye-bye.